मेघालय सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की केंद्रीय योजना के साथ मिलाकर मेगा स्वास्थ्य बीमा योजना के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है। बुधवार की रात कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री एएल हक ने कहा कि दूसरे चरण के तहत 2.80 लाख रुपए का बीमा कवर बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जिसमें चिकित्सकीय जांच और परीक्षण शामिल है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन आयुष्मान भारत चौथे चरण में सरकार की योजना राज्य के 8.8 लाख परिवारों का बीमा कराना है। मंत्रिमंडल ने सरकारी और गैर सरकारी प्री प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए 12,000 रुपए प्रति माह की सहायता अनुदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इट्स अबाउट द एनहांसमेंट ऑफ ग्रांट इन एड टू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्री प्राइमरी स्कूल टीचर्स। देयर वर 710 numbers of teachers who are teaching in pre-primary level, and the government all these years from 2012 they extended the grant of ₹6,000 per month. बुधवार को मंत्रियों के एक दल ने मणिपुर के टैंगनुपाल जिले के भारत म्यांमार सीमा स्थित क्वाथाखुनो इलाके का दौरा किया। कुछ नागरिक समाज ये दावा कर रहे थे कि मणिपुर का 3 किलोमीटर इलाका म्यांमार में शामिल हो गया है। दरअसल विभिन्न विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा स्तंभों के पुनर्सर्वेक्षण की मांग कर रही थी। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ओल्ड सेटल्ड पिलर्स वेयर देयर इज नो डिस्प्यूट शुड नॉट बी रीओपन्ड। I think there is complete clarity that a settled pillar cannot be disturbed. For the local people, they are saying the local people should also understand that settled pillars which have been in the same location for more than 100 years cannot and should not be disturbed. हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने नई दिल्ली दौरे में खास तौर से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे भारत म्यांमार सीमा स्तंभ 79 से 81 तक का पुनः सर्वेक्षण करने का आग्रह किया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्री प्रिया रंगनाथन के नेतृत्व में मंत्रियों की एक टीम मणिपुर में भारत म्यांमार सीमावर्ती स्तंभों का दौरा करने पहुंची। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को मौजूदा विपक्षी पार्टियों से कोई खतरा नहीं है, यह कहना है एसडीएफ के प्रवक्ता केटी ग्यालसेन का। एसडीएफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला सशक्तिकरण से लेकर स्वास्थ्य तक विभिन्न क्षेत्रों में एसडीएफ नीत सरकार के कार्यों पर प्रकाश डाला। आई थिंक एज फार एज ऑपोजिशन इज कंसर्न नाइदर डू आई सी एनी लीडर हु कैन चैलेंज द लीडरशिप ऑफ श्री पवन चामलिंग, नॉर डू आई सी एनी ऑर्गेनाइज्ड party or political party in the opposition with great principles and ideologies and philosophy in the interest of the people of Sikkim and Sikkim that could come against or take the challenge against the SDF party. So in other words, I don't see any alternative. SDF का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल के पास अच्छा एजेंडा नहीं है, इसलिए हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमरो सिक्किम पार्टी के उपाध्यक्ष बाईचुंग भूटिया से होने वाले संभावित खतरे के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें उनसे भी कोई खतरा नहीं है। Well, he's a new player in this political field. Definitely, as a footballer, as a soccer captain, he has done great. But in the football team, he has to still practice. He has to try the different techniques of politics: how to pass, how to kick the ball, how to head. This is a different game ball, and here it is very difficult because. Interesting because in a football game you entertain the public who are the spectators and they enjoy your game, but here you don't entertain the public,
You have to ensure that you get the mandate, you get the wishes, you get the support of the people, and the people decide. So like football, you can't expect the people to be spectators who enjoy a game. Here they will decide the future of the politicians or the leaders. सरकारी अनुदान पर चलने वाले मिजोरम के हायर सेकेंडरी स्कूलों के 800 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य अब अधर में है। चूंकि विशेष दर्जा दिए जाने की मांग में 18 जून से ही 9 सरकारी स्कूल बंद है। इधर एसोसिएशन ने राज्य सरकार को मसला सुलझाने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया था। सरकार की तरफ से मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर एसोसिएशन ने आज से सभी सरकारी कार्यालय शिक्षण संस्थान बंद रखने और यहां तक कि सड़कों की नाकाबंदी करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन की इस हड़ताल का असर राज्य के 5 जिलों पर पड़ेगा। इधर बीजेपी के अध्यक्ष प्रोफेसर जेवी हलूना ने इन स्कूलों के प्रति राज्य सरकार के रवैये की आलोचना की है। At least some representative to inquire about, to listen their problems properly. Instead, they kept quiet, they kept mum. This is not the way the state government or the, so to say, the father of the state should do. I blame, at this juncture, it is too long.